बीते दिनों कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में हुई पिंटू सिंगर की हत्या मामले में आज दो आरोपी भाइयों ने सीएमएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कानपुर कचहरी में दोनों आरोपी भाइयों जो कि टेंडरी संचालक भी हैं, उनका कहना था कि उन्हें राजनीति के तहत विरोधियों ने फंसाया है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और मैंने जो काम किया है आपके मीडिया के माध्यम से आप देखिए कि तीन महीने में जो लॉकडाउन में जो मैंने रात चप्पा करूँ उसका आप जनता आपको बताएगी। तो वो देखेगी कि मैं सामाजिक आदमी हूँ, राजनीतिक तहत फंसाया गया है। पूरे जाजपुर में और शहर के अंदर कोई भी गरीब नहीं है, कोई इलाका नहीं है कि जहाँ मैं रात में भी ना गया हूँ वहाँ पे लॉकडाउन में मैंने बांटा। मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझसे कोई भी मतलब नहीं है इस मामला से लेके। और किनकी साजिश लग रही है फंसाने में? ये विरोधियों की साजिश है क्योंकि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना था कैंट से। आपको बता दें कि बीते दिनों चकेरी थाना क्षेत्र में पिंटू सिंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें जाजमऊ के टैनरी संचालक का नाम आया था, जिसके बाद आज दोनों भाइयों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।